साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती देर रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब जयपुर की ओर से आ रही सिलेरियो गाड़ी कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिलेरियो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक सॉम लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी थे जो कंपनी के काम से गुरुग्राम आए थे। मृतकों के परिजनों की माने तो सभी युवक सॉम लॉजिस्टिक कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर थे और बुधवार शाम 4 बजे कंपनी के काम से गुरुग्राम आए थे। रात को कंपनी का काम खत्म कर वापसी गाजियाबाद के लिए निकले थे कि रास्ते में हादसा हो गया। सूचना है मिले जी, कल चंद्रमोहन को शाम को 4 बजे बुलाया गया था कंपनी काम से, और यह वो उसकी ड्यूटी थी गाजियाबाद 1207 वो चला गया था। रात को एक हमें मिला 4 बजे से मैसेज, बे एक्सीडेंट हो गया और 500 लड़के गुजर गए। हमें 4 बजे सुबह फोन करा कंपनी से किसी ने, 5 थे। पांचों नाम तो नहीं जी, एक का नाम तो था जी नवीन, एक का अभिषेक था शायद, एक भारत भूषण था जी। ये थे ब्रांच मैनेजर जी, इनकी उम्र हुई 24-25 साल जी, एक गुड़िया 2 महीने की जी, इसके पास बिल्कुल गरीब थे ये, 5-7 साल से कंपनी में काम कर रहा था। यार ये मेरे भांजे थे, मेरी कजन सिस्टर हैं, उनका बेटा था ये लॉजिस्टिक कंपनी कोई बताइए, उसके अंदर सोम लॉजिस्टिक करके उसमें ये काम करते थे। 5 बच्चे थे तो ये कंपनी के काम से ये बता रहे हैं कि तो भाई कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ है और मुझे पता लगा, मैं भी कहीं गया हुआ था, वहाँ से फ़ोन आया मेरे भाई का छोटे का, उसने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, आप इधर आ जाओ। तो मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ पास में, तो मैं यहाँ पहुँच गया। सर ऐसा है, फैमिली में तो इनके जो है मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं, 3 ये भाई हैं, ये सबसे छोटे थे, ये जिनका एक्सीडेंट हुआ वो सबसे छोटे थे, अनमैरिड हैं ये। पांच लोग थे सर, नहीं सारे लड़के ही थे, लड़के लोग थे, फीमेल को नहीं। ये रात को बता रहे हैं सर, 12-1 बजे के आसपास का कुछ बता, पता नहीं ये सर पता नहीं लग पाया, कह रहे जी कैंटर से कोई टक्कर हुई है इनकी। सॉम लॉजिस्टिक कंपनी के 5 कर्मचारियों की मौत से कंपनी में मातम छा गया है। बहरहाल पुलिस ने सभी मृतकों की शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और कैंटर चालक की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।